हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित चौहान एक बार फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बारे में सब कोई बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस। एक ऐसा वायरस जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और हर चीज को इफेक्ट कर रहा है, जिसने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। पर हम कोरोना वायरस में सुनेंगे किसकी? क्या हम पीएम मोदी की सुनेंगे? क्या हम कार्तिक आर्यन की सुनेंगे? क्या हम अक्षय कुमार की सुनेंगे? क्या हम हेल्थ एडवाइजरी पे ध्यान देंगे? क्या हम मेगा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की सुनेंगे? हमें इन सब की नहीं सुननी है, हमें सुननी है खुद की, हमें सुननी है अपनी अंतरात्मा की कि हमें इसे कैसे रोकना है। आज कोरोना वायरस की वजह से ऑफिस बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, मॉल, थिएटर, जहां पे भी चार चार लोग इकट्ठे होते थे पहले, उन जगहों को बंद किया जा रहा है। पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी गई है, पब्लिक इवेंट रोक दिए गए हैं, कॉन्सर्ट्स रोक दिए गए हैं। विश्व भर ने कोरोना वायरस के ऊपर लगे हर रोक टोक को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। बट क्या वजह है कि भारत में, जहां सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है इसे रोकने की, हर रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? जी हाँ, सरकार बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। एयरपोर्ट्स पे ध्यान दे रही है, हेल्थ सेवाओं में ध्यान दे रही है, हेल्पलाइंस में ध्यान दे रही है, पर फिर भी केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन रहे। हमारी इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कोरोना वायरस को रोकें। अगर आपको बोला गया है कि आप सेल्फ आइसोलेशन में रहें 14 दिन के लिए, तो क्यों नहीं रह रहे हैं? एक जीता जाता एग्जाम्पल कल का ही ले लीजिए, कनिका कपूर, एक मानी हुई सिंगर जो लंदन से आई, जिन्होंने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग को पता नहीं कैसे चकमा दिया। देने के बाद उन्होंने पार्टी अटेंड करी यूपी में, और बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने पार्टी अटेंड करी। जब वो ध्यान नहीं रख पा रही, तो लोग सोचेंगे कि हमें क्यों ध्यान रखें। उन्होंने नेताओं के साथ पार्टी करी और वही नेता पार्लियामेंट सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो क्या वो फैला नहीं होगा? हाँ, कुछ का नहीं फैला, क्योंकि शायद उस समय तक जब वो उनसे मिली तो उनको नहीं था। बट क्यों नहीं गई वो सेल्फ आइसोलेशन में? लापरवाही, एक छोटा सा शब्द जिसके प्रकोप बहुत बड़ा है। जी हाँ, ये इटली की लापरवाही ही थी कि इटली आज तक उस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। क्या वजह है कि वुहान शहर, जहां से इस वायरस की उत्पन्न हुआ, वहां पर उसका इफेक्ट खत्म होता दिख रहा है, और वहां पे जितने भी सेल्फ आइसोलेशन सेंटर्स थे, क्योर सेंटर्स थे, वो ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं इक्का दुक्का को छोड़कर। क्या वजह है कि अमेरिका ने और बाकी देशों ने बहुत जल्दी इसको रोकने की और रोकथाम की कोशिश की और रोक भी लिया, पर इटली ने क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि इटली को बहुत देर से समझ आया। आप एक बात भूल रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन विश्व में दूसरे नंबर पर है। अगर इस वायरस ने प्रकोप दिखाया, तो ये वायरस मल्टीप्लाई होगा और बहुत बुरी तरीके से होगा। और इस वीडियो के बीच में ही एक छोटी सी वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस वायरस को रोका जा सकता है, ह्यूमन चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है। अगर आपने उस ह्यूमन इंटरवेंशन को लेकर आए, तो ये चेन टूट सकती है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक चेन के एक पहलू को निकालने से पूरी की पूरी चेन रुक गई। एक वायरस 3500 लोगों को इफेक्ट कर दे सकता है। जी हां, 3500 लोगों को इफेक्ट कर सकता है एक इंसान जिसको कोरोना वायरस हो। पर अगर इस ह्यूमन चेन को हम तोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली वायरस स्प्रेड नहीं होगा। दुनिया के बड़े से बड़े देश, विकसित देश, डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड कंट्रीज, सब ने अपने आप को इस तरह ढाला है, इस तरह कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया है कि ऑटोमेटिकली वो समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना है। वो केवल अपनी ही परवाह नहीं, और दूसरों की परवाह भी कर रहे हैं। बट क्या वजह है कि भारत में हम लोग इस बात की लापरवाही दिखाते हैं?
क्यों दिखाते हैं हम लापरवाही? क्योंकि हमारे देश की विडंबना ही ऐसी है, जब हमारे को वोट देने के लिए एक दिन की छुट्टी मिलती है तो हम उसको भी एक इवेंट, एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं कि आज की छुट्टी है, क्या प्लान करें, पिक्चर देखने जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, पिकनिक पे जाएं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन की वोट देने की है। तो जब हम इस बात की परवाह नहीं करते कि 5 साल तक जो गवर्नमेंट आगे आने वाली है हमें उस वोट का इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये तो कोरोना वायरस है, हमने पैनिक बाइंग करेंगे, हम स्टॉकिंग करेंगे, बट हम हाँ सुनेंगे नहीं। हम सोशल गैदरिंग्स कर रहे हैं, फैमिली आपस में मिलती हैं, मिल रही हैं, ये अच्छा टाइम है, मिलें, क्यों ना मिलें। अरे आपको अपने घरों में रहना है, अगर आपको वायरस नहीं है, अगर आपको वायरस हो जाता है आप ये सोचिए कि ऑटोमेटिकली वो ट्रांसमिट होगा, वो आगे लोगों में जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, 3500 लोगों तक को आप इफेक्ट कर सकते हैं, ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है अगर एक बंदे को हो जाए तो। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्या वजह है पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, यूएस के एक साइंटिस्ट ने परसों एक बयान दिया जनता कर्फ्यू के बाद। उन्होंने कहा कि मोदी जैसा इंसान शायद ही कभी हो। तो उनसे पूछा गया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, क्या वो ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं इसलिए, जो यूएस के अच्छे दोस्त हैं? उन्होंने कहा, इसमें से कोई वजह नहीं है। हम एक बात भूल गए कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट एक जगह पर, यानी कि अगर कोई हैंडल है जिसको हम खोलते हैं, चाहे वो बस का हो, ट्रेन का हो, अगर किसी इंसान ने उसको टच किया है तो 12 घंटे तक वो वायरस वहां पे एक्टिव रहता है, और 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो उड़ जाता है। जी हाँ, वो उड़ जाता है। 14 घंटे का जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लगाया गया है भारत में, क्यों ना, क्यों लगाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा अध्ययन है। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने ढूंढा होगा, ये एक रिसर्च, एक पैटर्न को स्टडी करने के बाद डिसीजन लिया गया है कि वो इंटरवेंशन के थ्रू तोड़ा जाए। जब 14 घंटे तक लोग बाहर निकलेंगे नहीं, बसेस में ट्रैवल करेंगे नहीं, ट्रेन में ट्रैवल करेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली वो वायरस मर जाएगा अगर कोई इंसान को होता भी है तो। ऑटोमेटिकली जब 14 घंटे के लिए सब कुछ बंद होगा, कर्फ्यू इम्पोज होगा, और उसी समय अगर कोई भी इंसान जिसको कि वायरस है अगर वो बाहर निकलता भी है, तो ऑटोमेटिकली वो ह्यूमन चेन को तोड़ दिया जाएगा ऑटोमेटिकली इस बात से कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस वायरस के फैलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैं फिर एक बार आपके ध्यान इस तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मल्टीप्लाई होना बहुत तेजी से हो सकता है, बट इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की उपलब्धि जरूर है कि उन्होंने इसको अभी तक रोकथाम रखी हुई है। अगर आप और कंट्रीज की बात करें, यूएस, कैनेडा और यूके खासतौर से, तो उनमें हर रोज नए केसेस आ रहे हैं जो कि करीबन 100-150 के मुताबिक हैं, से ज्यादा हैं। जी हाँ, 100-150 के से ज्यादा। बट यहाँ पे बात फिर वही आती है कि हमें खुद को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे एक बार बाहर ना निकलने से, अनावश्यक तौर पे बाहर निकलने से, पैनिक बाइंग ना करने से, इन सब चीजों से हम और उन नीडी लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको उस समय उन चीजों की जरूरत है। अगर आपको खांसी जुकाम है, कोशिश करें घर पर दवाई लेके उसका उपचार कर लें। पर अगर आपको इस बात का जरा सा भी अंदेशा हो रहा है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है, तो शीघ्र ही टेस्ट करवाएं। अगर आपको आसपास दिखे कि किसी के हाथ में क्वारंटाइन की स्टैंप लगी हुई है, तो उसे बोलें कि आप बाहर क्यों हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये फाइट किसी भी एक इंसान के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसी चीज के खिलाफ है जो कि नेचर की है। जी हाँ, यहाँ पे सबको एकजुट होना पड़ेगा। आपको बता दूं कि दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में, कनाडा, यूएस, जर्मनी जैसे देशों में लोग तभी बाहर निकल रहे हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट की चीजें खत्म हो रही हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जा रहे हैं, पर अननेसेसरी वो ट्रैवल नहीं करते। लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, कोई गैदरिंग नहीं कर रहे, कोई पार्टी नहीं कर रहे, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बिना किसी सिम्टम के भी सेल्फ आइसोलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको ये करने से शायद वो और लोगों की जान बचा सके। तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होगा, और मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं कि हमें अपनी आत्मा की सुननी है। जी हाँ, हम मोदी जी की नहीं सुन सकते, मोदी जी बहुत बार बोलते हैं, हम सब कह देंगे मोदी जी तो बोलते रहते हैं क्यों कर्फ्यू माने। हम अक्षय कुमार की नहीं सुनेंगे, वो बहुत बड़े स्टार हैं।
सुननी पड़ेगी अपनी अंतरात्मा की अगर लोगों की जान बचानी है। हम छुट्टी पर हैं, आप छुट्टी पर हों, घर से काम करें, बाहर घूमने जाना है, ये सब भूलना पड़ेगा। बस एक बात सोचनी पड़ेगी, इस लड़ाई को जीतना है और इसको हराना है। मेरा मेन कंसर्न इस वीडियो बनाने का यही था कि आज हम एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कम से कम लोगों से मिलें, कम से लोगों के पास जाएं, अगर अनावश्यक ना हो तो। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका जाना अनिवार्य है तो जाएं, अपनी जॉब करें, पर याद रखें हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शायद कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है तो उसको गाइड करें, उसको बताएं कि आप जाएं हॉस्पिटल में। अगर आपको स्टैंप दिखती है तो उसको बोलें कि आप बाहर क्यों घूम रहे हैं। मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि प्लीज अपनी अंतरात्मा की बात सुनें, इस वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकें।